अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम आसिया जाफर, आई विल टीच यू पाकिस्तान स्टडीज। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू प्रॉब्लम्स, वी विल सी दैट वट आर द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। देर आर सेवन मेन प्रॉब्लम्स। First one is that Radcliffe Award. Second, settlement of migrants. Third, administrative problems. Fourth, economic problems. And fifth is distribution of military assets. Sixth, agricultural problems. And seventh and last is political problems. ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से हमने जो सी तीन प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किए हैं उनमें एक तो रेडक्लिफ अवार्ड है, सेकेंड सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। इन तीन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज जिन दो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है एंड नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। After the establishment of Pakistan, most of the areas of Pakistan were backward and transportation and communication facilities were insufficient. ठीक है, पाकिस्तान के establishment के बाद जो पाकिस्तान के areas थे वो backward थे और उनको जो transportation और communication facilities provide की जा रही थी वो insufficient थी। Basically इस सब के पीछे Indian और British का हाथ था, ये सब वही कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों के जो population वाले areas थे उन्होंने उनको backward रखा, वहाँ कोई भी तरक्की नहीं होने दी। इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों की इकोनॉमी को भी बहुत मुतासिर किया। वो उन्होंने किस तरह से मुतासिर किया आइए देखते हैं। एट दैट टाइम देयर वाज 394 टेक्सटाइल मिल्स इन यूनाइटेड इंडिया बट ओनली 14 केम टू पाकिस्तान शेयर। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तब 394 टेक्सटाइल मिल्स थी लेकिन मुसलमानों के शेयर में जस्ट 14 मिल्स आए। एंड 487 branches of banks but only 69 came to Pakistan shares. At that time there was 487 branches but only 69 came to Pakistan shares. उस वक्त 487 branches थी बैंक की लेकिन मुसलमानों के शेयर में जस्ट 69 आई और ये सब इंडियंस और ब्रिटिश ही कर रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के जो असेट्स थे उनको भी उसमें उनको प्रॉपर शेयर नहीं दिया। देवर अनजस्ट इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने जस्टिस से काम नहीं लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। टू रन एंड टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट आर्मी इज नेसेसरी। किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी बहुत ज़रूरी होती है। जब पाकिस्तान बना तो उनको जो आर्मी प्रोवाइड की गई उनको जिस तरह की उनको उनके मिलिट्री असेट्स की कोई जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई वो भी उसमें भी इन्होंने अनजस्टिस से काम लिया। उन्होंने उसमें उन्होंने मुसलमानों को प्रॉपर शेयर नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी वॉज गिवन द चॉइस, देर वॉज ऑप्शन गिवन टू आर्मी एंड दैट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन टू आर्मी वॉज गिवन आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, आर्मी को ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपनी मर्जी से या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। इसके बाद फिर जो मोस्टली मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश की। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान ज़्यादातर मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान तो आ गए लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और वो प्रॉब्लम यही थी कि जो हाई रैंक ऑफिसर्स थे वो इंडियंस के ब्रिटिश के थे और मुसलमानों के हिस्से में कोई भी हाई रैंक ऑफिसर नहीं आया। इसलिए अपने कंट्री को रन करने के लिए उनके पास कोई भी आर्मी का ऑफिसर नहीं था। फिर इसके साथ साथ एक और काम हुआ, वो ये था कि मिलिट्री असेट्स वुड बी डिवाइडेड विद 64% प्रोपोर्शन टू इंडिया एंड 36 प्रोपोर्शन टू पाकिस्तान। जो मिलिट्री असेट्स थे उनमें मुसलमानों को जस्ट 36% शेयर मिला और इंडिया को 64% मिला। इसमें मुसलमानों के साथ अनजस्टिस से काम लिया गया। एंड दैट टाइम देयर वाज 16 आर्डनेस फैक्ट्रीज
ठीक है, उस वक्त 16 आर्डनेस फैक्ट्रीज थी, लेकिन मुसलमानों के शेयर में उनकी बाउंड्री तक एक भी फैक्ट्री नहीं मिली। फिर मुसलमानों को लगा कि हमारे पास तो कोई फैक्ट्री ही नहीं है, हम किस तरह से अपना काम चलाएंगे, किस तरह से अपने कंट्री को चलाएंगे। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि मुसलमानों को 60 मिलियंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना अपनी फैक्ट्रीज लगा सकें। ठीक है, इसके साथ मुसलमानों को इनके शेयर से महरूम रखा गया। पाकिस्तान वास्ते प्राइवेट ऑफिस ड्यू शेयर, मुसलमानों के जो ड्यू शेयर्स थे इसमें भी उसने उनको महरूम रखा गया, इसमें भी उनसे उनके साथ अनजस्टिस से काम लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।